हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस और उसका लेसन नंबर 3 है गुड फूड हैबिट्स, जो कि हमारे लास्ट लेसन से रिलेट करता है जो हमने किया था लास्ट में लेसन नंबर 2 फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उससे ये लेसन हमारा पूरा रिलेट करेगा। तो आइए देख लेते हैं। ये है फर्स्ट एक्टिविटी जिसमें है टेक द फूड यू शुड सॉरी टेक द फूड्स यू शुड ईट टू बी हेल्दी एंड स्ट्रांग। तो ऐसा खाना आपको यहाँ पे देखिए खाना चाहिए जिससे हेल्दी यानी हम बहुत स्वस्थ और बहुत स्ट्रांग यानी बहुत ताकतवर बनेंगे। तो आपको यहाँ 3 पिक्चर्स दी हुई हैं, इसमें आपको नीचे बॉक्सेस भी दिए हुए हैं। तो आपको देखना है इसमें कि कौन सा खाना खाने से आप हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे और कौन सा खाना आपको खाना ही नहीं चाहिए। तो फर्स्ट है फ्रूट्स। तो नेचुरल बात है, ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, के फ्रूट्स तो बहुत ही हमको हेल्दी और स्ट्रांग बनाएंगे। सेकंड पिक्चर है आपका, पूरा ये आपका मील है, पूरा आपका ये भोजन है। इसमें आपको सब दिया हुआ है, देखिए रोटी दाल राइस सब्जी कर्ड दही स्वीट सब कुछ है। तो ये भी अगर हम खाते हैं तो हम बहुत हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे। थर्ड पिक्चर है आपका बर्गर, जो आप सबको बहुत पसंद है, लेकिन ये हम रोज़ नहीं खा सकते हैं। वंस इन अ वाइल अगर हम कभी खाएं तो चलता है, लेकिन अगर हम इसको रोज़ खाएंगे तो हम बल्कि बीमार हो जाएंगे और ऐसा फूड हमको कभी भी स्ट्रांग और हेल्दी नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे है देख लेते हैं ये लेसन अब क्या बोल रहा है। वी हैव रीड इन द प्रीवियस लेसन दैट ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स कीप अस हेल्दी। अभी लास्ट लेसन में हम पढ़ चुके हैं या फिर हम पढ़ के आए हैं कि अलग अलग तरीके का खाना खाने से हम खाएं तो हम बहुत ही हेल्दी रहेंगे, लेकिन वो खाना कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स? बहुत ही अच्छा, बहुत ही न्यूट्रिशियंस होना चाहिए, बहुत ही फ्रेश होना चाहिए। आवर मील्स शुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। हमारे खाने में या जो हम मील लेते हैं पूरा, उसमें अलग अलग तरीके का खाना होना चाहिए, ये ऐसा बोल रहा है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हम इसमें साथ साथ में हार्ड वर्ड्स भी करेंगे जैसे हमने लास्ट लेसन में किए थे, और उसका प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे तो आपको भी उसका स्पेलिंग और बोलना आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको ये लर्न भी करना होगा। फर्स्ट है PREVIOUS प्रीवियस। सेकेंड है डिफरेंट DIFFERENT डिफरेंट। नेक्स्ट है आपका मील्स MEALS मील्स। ठीक है, तो ये जो हमने किया दीज आर योर हार्ड वर्ड्स स्टूडेंट्स। तो ये लास्ट हम पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। आवर मील्स शुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी हम जो खाना लेते हैं उसमें अलग अलग तरीके का खाना होता है या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वी शुड हैव सीरियल्स पल्सेस मिल्क ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे। यानी ये बोल रहा है कि हमारे पास होना चाहिए सीरियल्स पल्सेस। आपको याद है स्टूडेंट्स के लास्ट लेसन में हमने सीरियल्स और पल्सेस के 3-3 नेम्स भी रीड किए थे। तो सीरियल्स में आपको याद है क्या था? वीट राइस एंड मेज। और पल्सेस में आपका था 3 नेम्स पी मूंग एंड ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास होना चाहिए मिल्क, बहुत सारी ग्रीन सब वेजिटेबल सब्जियां, बहुत सारा फ्रूट्स। ठीक है, और ये मिल्क यानी दूध आप सब जानते हैं, ये हमारे पास होना चाहिए। अगर ये तरीके का खाना हमारे खाने में शामिल है, हमारे मील में शामिल है, तो दीज फूड्स हेल्प अस टू ग्रो। यानी कि ये फूड, इस तरीके का फूड खाना हमको हेल्प करता है ग्रो यानी बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है दे गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। अब इसने बता दिया कि ये सीरियल पल्सेस मिल्क ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट, इस तरीके के खाने को हम अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो इससे हमको काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी मिलेगी,
काम करने के लिए बहुत ही और खेलने के लिए बहुत सारी ताकत मिलेगी, ठीक है। हम कभी भी थकेंगे नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। अब ऐसा खाना हमको एनर्जी तो देगा काम करने के लिए, प्ले यानी आप सबको खेलने के लिए, ताकि आप कभी थके ना, लेकिन ये ऐसा खाना हमको प्रोटेक्ट भी करेगा डिजीजेस से, यानी बहुत सारी बीमारियों से हमको ये बचाएगा भी, ठीक है। तो यहाँ है आपका PROTECT, प्रोटेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। अब इस तरीके का खाना जिसमें हमारा सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शामिल है, तो इस तरीके का खाना जो हम खाएंगे जिससे हमको एनर्जी मिलेगी काम करने के लिए, प्ले करने के लिए, ये खाना हमको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। तो इस तरीके के खाने को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए, दिस टाइप ऑफ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। क्या बोलते हैं? BALANCED, बैलेंस्ड, DIET, डाइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, वाटर ऑल्सो कीप्स अस हेल्दी। हमको बहुत सारा पानी हर रोज़ पीना चाहिए। हमने लास्ट लेसन में भी किया था कि हमको कितने ग्लासेस पानी एवरी डे पीना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी ये वही बोल रहा है कि पानी भी हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, और एक पानी भी है खाने के साथ साथ जो हमको हेल्दी, बहुत स्वस्थ रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक और आपका ये हार्ड वर्ड्स है, PLENTY, प्लेंटी, ठीक है। प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी हमको ज़रूर ही पीना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, आपको बोल रहा है प्रॉपर फूड हैबिट्स। प्रॉपर फूड हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, यानी कि बहुत ही अच्छे से खाने का ढंग, बहुत ही अच्छी खाने की आदतें जो होंगी तो वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। देखिए HABITS, हैबिट्स, एंड नेक्स्ट है IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ये बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका प्रॉपर फूड हैबिट्स का स्टूडेंट्स, फूड एट फिक्स्ड टाइम। फूड एट फिक्स्ड टाइम में है, वी मस्ट हैव आवर मील्स एट फिक्स्ड टाइम्स एवरी डे। अब है कि हमको अपना जो ये खाना हम लेते हैं, खाते हैं, उसका कोई फिक्स टाइम होता ही है, ठीक है ना। आप भी करते होंगे, किस टाइम पे आप क्या खाते होंगे आप सभी को पता होगा। तो वी मस्ट हैव आवर मील्स एट फिक्स टाइम एवरी डे, यानी हर रोज़ हमको अपने एक फिक्स टाइम के दौरान खाना अपना ले लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, ठीक है। देखिए FIXED, फिक्स्ड, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे बोल रहा है, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हेन डू यू हैव योर मील, राइट द टाइम ऑन ईच डॉटेड टाइम, सॉरी ईच डॉटेड लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है पिक्चर्स तीन, नीचे आपको दिया हुआ है डॉट वाली लाइन, तो इसमें आपको जस्ट ये ऐसे पूछ रहा है कि आप किस टाइम पे कौन सा खाना लेते हैं, उसका आपको टाइम मेंशन करना है या लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए फर्स्ट में ये बोल रहा है ब्रेकफास्ट, सेकंड है लंच, एंड थर्ड पोजीशन पे है डिनर। तो आपको पता है ना कि हम पूरे दिन में तीन तरीके का मील हम लेते हैं, तीन तरीके से हम खा सकते हैं। उनके नेम क्या होंगे, देखिए ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो आपको पता है ब्रेकफास्ट हम कब लेते हैं, सुबह का नाश्ता, यानी वो हो जाता है हमारा मॉर्निंग में, वो हो जाता है हमारा मॉर्निंग में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सेकंड नंबर लंच टाइम, लंच टाइम होता है हमारा आफ्टरनून में, यानी कि दोपहर के टाइम हम खाते हैं उसको। और थर्ड पोजीशन पे है डिनर टाइम, डिनर टाइम हमारा होता है नाइट में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तीन तरीके के होते हैं मील हमारे, उसमें है मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। तो मॉर्निंग में हम क्या लेते हैं, देखिए हम मॉर्निंग में लेते हैं ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में हम लेते हैं लंच, एंड नाइट में हम लेते हैं डिनर, ठीक है। एक बार इसको बोल देते हैं, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट,
LUNCH lunch and DINNER dinner. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे करते हैं. इसमें देखिए कुछ 3 points आपको दिए हुए हैं. अब ये बोल रहे हैं वी शुड नॉट ईट इन बिटवीन द मील्स, यानी कि हमको खाने के बीच में बार बार कुछ भी खाना चाहिए नहीं. नॉट ईट, वी शुड नॉट ईट इन बिटवीन द मील्स. ठीक है, फिर सेकेंड पे है वी शुड नॉट ईट टू लिटिल फूड, इट मेक्स अस वीक एंड टायर्ड. अभी फर्स्ट पॉइंट में इसने क्या बोला कि हमने जब एक बार अच्छे से खा लिया है तो बार 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 नहीं खाना चाहिए. ठीक है, थोड़ा 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 ऐसे बार बार नहीं. फिर सेकेंड पे बोल रहा है कि वी शुड नॉट ईट टू लिटिल फूड, हमको बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज अगर हम बहुत कम खाना भी खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, इट मेक्स अस वीक एंड टायर्ड, इससे हम बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही थका थका फील करेंगे, हम में कोई भी काम करने की कोई भी एनर्जी रहेगी नहीं, चाहे वो मेंटली हो या फिर वो फिजिकली हो. ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट पे है वी शुड नॉट ईट टू मच ऑफ फ्राइड फूड, हमको बहुत सारा फ्राइड फूड यानी तला हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए, स्वीट्स यानी बहुत सारी मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, आइसक्रीम्स भी नहीं खानी चाहिए जो कि आप सबको पसंद है, कभी कभी खानी चाहिए ज़्यादा नहीं, एंड जंक फूड्स भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इट मेक्स अस फैट, ये हमको बहुत हेल्थ मोटा बहुत ही फैट बना देते हैं जंक फूड में, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर और ये सब आता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये है आपका BETWEEN बिटवीन, नेक्स्ट है WEAK वीक, TIRED टायर्ड, फिर नेक्स्ट है आपका फ्राइड फूड यानी तला हुआ खाना FRIED फ्राइड, FOOD फूड, नेक्स्ट है JUNK जंक फूड. ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट देखते हैं वी मस्ट ऑलवेज ईट अ बैलेंस डाइट, जो हम अभी आगे रीड करके समझ के आए हैं कि हमको हमेशा अपना एक बैलेंस डाइट ही लेना चाहिए टू कीप आवरसेल्फ्स फिट एंड हेल्दी. ठीक है, हमको ऐसा बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिससे हम अपने आप को बहुत ही फिट और बहुत ही हेल्दी रख सकेंगे. ठीक है, OURSELVES ourselves. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ये आपका हो गया 1 point complete. सेकेंड पॉइंट है क्लीन फूड. अब क्लीन फूड में आपका फर्स्ट पॉइंट है वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ क्लीन वाटर बिफोर कुकिंग और ईटिंग डैम, हमको हमेशा अपनी सब्जियां, अपने फल जो भी हम खाते हैं उनको खाने से पहले हमको हमेशा उनको अच्छे से पानी में धो लेना चाहिए, या फिर पकाने से पहले उनको हमेशा वॉश कर देना चाहिए. ठीक है, बिल्कुल साफ पानी में. सेकेंड पॉइंट है वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड, वी शुड कवर ऑल द फूड आइटम्स विद अ लिड और अ नेट. अब हमको कभी भी खुला हुआ खाना कहीं पे भी रखा हो ऐसे तुरंत लेके नहीं खा लेना चाहिए, हमेशा हमको अपने खाने को या खाने की चीज़ों को किसी भी लीड से या नेट से यानी जाली से या लीड कोई भी प्लेट हो ऐसी उसे हमको ढक के ही रखना चाहिए, कवर करके ही रखना चाहिए. वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड, यानी कि हमको कभी भी स्टेल फूड यानी स्टूडेंट्स यानी जो बासी खाना होता है रात का रखा हुआ जिसमें बदबू आए ऐसा खाना भी हमको कभी खाना चाहिए नहीं. ठीक है स्टूडेंट्स, आया आपको अच्छे से समझ में, ये देख लेते हैं UNCOVERED अनकवर्ड एंड नेक्स्ट है STALE स्टेल. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए ये आपको पिक्चर्स दी हुई हैं. यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है एक गर्ल है जो कि वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कर रही है, हम ऊपर पढ़ के आए हैं हमको हमेशा अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश ही करना चाहिए अच्छे से पानी में. फिर सेकंड पिक्चर है देखिए अनकवर्ड फूड, और थर्ड पिक्चर है आपका कवर्ड फूड जिसको एक नेट से यानी जाली से ढका हुआ है, आप किसी प्लेट या ऐसे लीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सेकंड नंबर का पोजीशन देखिए उस पर रॉन्ग किया हुआ है, बिकॉज ये खाना तो है रोटी राइस सब है इसमें चपाती
देखिए सब्जी, लेकिन इसके ऊपर आप देखिए क्या हो रहा है, सारी ये देखिए सब ये मक्खियाँ उसमें आ रही है, क्योंकि वो कवर्ड नहीं है। तो अगर ऐसा खाना हम खाएंगे, अनकवर्ड फूड हम लेंगे, तो नेचुरल है हमको उसमें जर्म्स होंगे, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके हमको काफ़ी सारी डिजीजेस यानी बीमारियाँ दे सकते हैं, जिससे हम अनहेल्दी होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा हमको खाना कभी भी अनकवर्ड तो खाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, वी शुड नॉट बाय फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स, दे कीप अनकवर्ड, यानी कि हमको कभी भी जो रोड साइड पे जो खाना बेचते हैं, विक्रेता होते हैं, उनसे कभी भी हमको कुछ भी लेना चाहिए नहीं, बिकॉज वो हमेशा अपना दे कीप अनकवर्ड फूड, यानी मोस्टली वो लोग जो अपना खाना देते हैं, बेचते हैं, उसको कवर्ड नहीं रखते हैं। समटाइम्स द फूड इज़ स्टेल, और कई बार हमको पता नहीं होता कि वो जो दे रहे हैं हमको, या हम उनसे जो भी चीज़ बाय कर रहे हैं, वो रखा हुआ है, रात का बासी खाना है या फिर फ्रेश है, वी डोंट नो, हमको नहीं पता होता। इट हैज़ जर्म्स, उसमें जर्म्स भी होते हैं, हो सकते हैं डस्ट यानी धूल मिट्टी भी होगी, डर्ट यानी गंदगी होगी, बहुत सारे उसमें मक्खियाँ मच्छर भी होंगे, ऊपर चलते होंगे, इट कैन मेक अस सिक। और ऐसा खाना अगर हम ये रोड साइड वेंडर से लेंगे, तो हम बीमार होंगे, हम कभी भी फिट नहीं रह सकते ऐसा खाना खाए तो। देखिए यहाँ आपको एक पिक्चर भी दिया हुआ है, जिसमें ये एक रोड साइड वेंडर, जो कि ये एक व्यक्ति आदमी है जो बेच रहा है कुछ चीज़ें, देखिए ऊपर सारी बहुत सारी ये मक्खियाँ हैं उस पे, और ये यहाँ से ये बाय कर रहा है। तो हमको ये डू नॉट बाय फूड फ्रॉम अ रोड साइड वेंडर, बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो है कि बाहर से ये ऐसा खाना, खुला खाना, गंदा खाना हमको लेना ही, कोई भी खाने की चीज़ें हमको लेनी ही नहीं है। ठीक है, इसमें है आपका हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं, GERMS जर्म्स, नेक्स्ट है DUST डस्ट, DIRT डॉट, एंड नेक्स्ट है SICK सिक। ओके स्टूडेंट्स, फिर है आगे 3 पॉइंट आपका बोलते हैं एट द डाइनिंग टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थर्ड नंबर पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, एट द डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल पे, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है, वी मस्ट ईट एट क्लीन प्लेस ओनली, हमको हमेशा खाना ऐसी जगह पे खाना चाहिए जो बिल्कुल आसपास भी उस बिल्कुल साफ़ सुथरी प्लेस हो, गंदगी ना हो उसमें। सेकेंड है, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैविंग आवर मील्स, अब हमको हमारा खाना खाने से पहले अपने हैंड्स को जरूर वॉश करना चाहिए, बिफोर भी और आफ्टर भी अच्छे से। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, वी मस्ट च्यू आवर फूड वेल एंड ईट स्लोली, हमको कभी भी खाना जल्दी में लेना खाना नहीं चाहिए, बिकॉज ऐसा खाना अच्छा नहीं होगा हमारी हेल्थ के लिए, हमको हमेशा अच्छे से बैठ के खाने को चबा चबा के धीरे धीरे खाना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, वी शुड नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, हमको खाना खाते हुए न ही किसी से बातें करनी चाहिए और न ही हमको हंसना चाहिए। फिर है फिफ्थ पॉइंट, वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन प्लेट्स एंड डिशेस, ठीक है, हमको हमेशा खाने की थालियाँ, जो भी हम डिशेस प्लेट्स यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल क्लीन और वॉश की हुई होनी चाहिए। फिर सिक्स पॉइंट है, वी मस्ट ऑलवेज ईट फ्रेश बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस फूड, हमको हमेशा कैसा खाना खाना चाहिए, फ्रेश, जो बिल्कुल ताज़ा हो, रखा हुआ ना हो, बैलेंस्ड हो, उसमें सब कुछ एकदम बैलेंस्ड हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। न्यूट्रिशियस यानी कि सारे उसमें पौष्टिक आहार, यानी जिससे आपको बिल्कुल पौष्टिक तत्व हम बोल सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ताकत और पावर मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो न्यूट्रिशियस यानी फूड यानी पौष्टिक। ठीक है, फिर है, वी शुड नॉट वेस्ट फूड बिकॉज ईच फूड ग्रेन इज़ प्रेशियस,
तो ये तो अभी भी हम देखते हैं, अभी भी हम देख ही रहे हैं कि हमको कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे खाने का एक-एक दाना बहुत ही प्रेशियस यानी कीमती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए खाने को कभी भी हमको वेस्ट करना चाहिए नहीं। इसमें हम देख लेते हैं आपके हार्ड वर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट है स्लोली, ये देखिए फर्स्ट है स्लोली। नेक्स्ट है SLOWLY, स्लोली। फिर नेक्स्ट है आपका DISHES, डिशेस, DISHES, डिशेस। फिर नेक्स्ट है आपका जो हमने किया अभी पौष्टिक आहार यानी NUTRITIOUS, न्यूट्रिशियस, FOOT, फूड। फिर नेक्स्ट है GRAIN, ग्रेन। और फिर नेक्स्ट है PRECIOUS, प्रेशियस। ठीक है, फिर आप देख लेते हैं नेक्स्ट है बिट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन आर टीथ, यानी कभी कभी हम देखते हैं कि खाना खाते हैं जब हम लोग या आप लोग, तो खाना हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है। सो वी मस्ट ब्रश आर टीथ आफ्टर एवरी मील, तो हमको खाना खाने से, खाना जब हम खाते हैं तो वी मस्ट ब्रश आवर टीथ आफ्टर, यानी जब भी हम खाना खाते हैं तो हमको थोड़ी देर बाद आफ्टर, और जब हम अपना मील लेते हैं तो हमको हमारे टीथ को स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। ठीक है, इफ़ वी कैन नॉट डू दैट देन वी शुड रिंस आवर माउथ विथ वाटर आफ्टर ईटिंग। अगर हम ब्रश नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं, तब भी हमको खाना खाने के बाद अपना माउथ जरूर पानी से, यानी अपना जो ये मुंह है, जरूर हमको पानी से एक बार रिंस कर देना चाहिए, यानी कि वॉश कर देना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसमें है आपका, आपका ये हार्ड वर्ड्स है STUCK, स्टक, BRUSH, ब्रश, और RINSE, रिंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये लास्ट बोल रहा है वी मस्ट डेवलप गुड ईटिंग हैबिट्स टू स्टे हेल्दी, वी शुड नॉट ओवर ईट। हमको कभी भी ओवर ईट नहीं खाना चाहिए, हमको हमेशा बैलेंस डाइट ही लेना चाहिए, और हमको हमेशा खाने की एक गुड हैबिट्स ही लेनी है, गुड ईटिंग हैबिट्स ही लेनी चाहिए। देखिए यहाँ आपको दो पिक्चर्स भी दी हुई हैं, जिसमें एक बॉय है जो कि ब्रशिंग कर रहा है, और नेक्स्ट है जो कि अपने माउथ को रिंस कर रहा है वाटर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका लेसन था गुड फूड हैबिट्स, जिसमें खाने की आदतों के बारे में बताया कि कैसे हमको वॉश करना चाहिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स को खाने से पहले, कुकिंग करने से पहले कैसे हमको अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए, कैसे हमको न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, हमको हमेशा क्लीन जगह पे बैठ के खाना चाहिए, धीरे धीरे चबा के, हमारे प्लेट्स और डिशेस बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, और हमारे खाने में बहुत ही बैलेंस डाइट एकदम हमको लेना चाहिए, उस खाने में सब शामिल होना चाहिए। हमने और भी सीखा कि 3 तरीके के मील होते हैं, जिनको हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बोलते हैं। ब्रेकफास्ट होता है मॉर्निंग में, लंच होता है आफ्टरनून में, और डिनर होता है नाइट में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा हमने इस लेसन में सीखा, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स और भी पढ़े, प्रॉपर फूड हैबिट्स यानी फूड की जो खाने की जो अच्छी आदतें कैसी होती हैं, कैसे फिक्स टाइम पे हमको लेना है, फिर क्लीन फूड कैसे हमको साफ खाना खाना चाहिए, हमको रोड साइड वेंडर्स यानी जो बेचते हैं खुला खाना, गंदा बासी खाना हमको कभी नहीं खाना चाहिए, और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा एट द डाइनिंग टेबल, कि डाइनिंग टेबल पे भी जब हम एक बार बैठ के खाते हैं तो उसके भी कोई मैनर्स होते हैं, कोई पॉइंट्स होते हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये गुड फूड हैबिट्स EVS का लेसन नंबर 3 अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके हार्डवर्ड्स रीड कीजिएगा, ये लेसन भी रीड कीजिएगा, और ये हार्डवर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।